सरकार हमेशा से ही आपदा में प्रचार का अवसर तलाश ही लेती है और इस वक्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकाल कर भी यही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी ये कोशिश इस बार नाकाम हो गई, जब यूक्रेन से वतन वापसी करने वाले भारतीय छात्र छात्राओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए कहा गया तो सन्नाटा पसर गया और किसी ने नारे नहीं लगाए। दरअसल इस मुश्किल वक्त में भी सरकार सिर्फ प्रचार के अवसर ढूंढने की कोशिश कर रही है और छात्रों को वापस लाकर सिर्फ तारीफें लूटना चाहती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना का जो चौथा विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर दिल्ली के नजदीक हिंडन एयरवेज आया था, उसमें छात्र छात्राओं से मंत्री अजय भट्ट भी मिलने पहुंचे। उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि पीएम मोदी एक एक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इन बच्चों से मोदी जी जिंदाबाद का नारा भी लगवाया, लेकिन उनकी इस कोशिश पर बैच के अधिकतर बच्चों ने चुप्पी साध ली थी। इतना ही नहीं, देश लौटी एक लड़की ने कहा कि वो लोग अपने प्रयास से मुल्क वापस आ पाए हैं। ऐसे में सरकार को वाहवाही नहीं लूटनी चाहिए। एक अन्य छात्र ने कहा कि सरकार पश्चिमी हिस्से से लोगों को ला रही है जो पहले से ही सुरक्षित है। जो लोग यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंचे हैं वो अपने बलबूते पहुंचे हैं, वहां उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। यानी सरकार जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी उसकी ये कोशिश फेल हो गई है और पीएम मोदी की जबरदस्त किरकिरी हो रही है।